ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। त्योहारी सीजन में राजधानी दिल्ली में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की सूचना और देश में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के प्रवेश करने की सूचना के बाद कांगड़ा जिले में अलर्ट जारी कर दिया है। इसके मद्देनजर हिमाचल व पंजाब पुलिस की संयुक्त टीम ने सुबह से शाम तक डमटाल व भद्रोहा के जंगलों में सर्च अभियान चलाया। इसके अलावा चक्की खड्ड के किनारों में जाँच की। त्योहारी सीजन में राजधानी दिल्ली में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की सूचना और देश में जैसे मोहम्मद के आतंकियों के प्रवेश करने की सूचना के बाद कांगड़ा जिले में अलर्ट जारी कर दिया है। इसके मद्देनजर हिमाचल व पंजाब पुलिस की संयुक्त टीम ने डमडाल व भद्रोहा के जंगलों में सर्च अभियान चलाया। इसके अलावा चक्की खड्ड के किनारों में जांच की। पुलिस को गुप्तचर विभाग से सूचना मिली थी कि पंजाब व हिमाचल के सटे क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। दोनों राज्यों की टीम ने डमडाल और भद्रोहा के 10 किलोमीटर जंगल में गहनता से जांच की। इसके बारे में जब पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आतंकी घटना की कोई ऐसी बात नहीं है। अपने पड़ोसी राज्य में आतंकी हमले की जनपुट को लेकर पंजाब और हिमाचल पुलिस कर्मियों द्वारा ये अभियान चलाया गया था। उन्होंने कहा कि ये रूटीन वर्क भी है। क्यों किया और करने की ज्ञान पड़ी थी सर ये इसको? नहीं, ऐसा किसी टेररिस्ट हमले वाली बात नहीं है। हमारे पड़ोसी राज्य में थोड़ी सी सिचुएशन है तो उसकी वजह से सभी स्टेट्स और ज्वाइनिंग स्टेट्स जो हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ रूटीन एक्सरसाइज जिसके तहत हम लोग ये कभी कभार दोनों स्टेट मिल करके जो है सर्च ऑपरेशन कर लेते हैं। तो बाकी एज सच कोई ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि टेररिस्ट हमले की आशंका के तहत ऐसा कुछ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।